आप ये नीचे करो। अरे क्यों भाई, और बहुत ही बहुत, अरे भाई बात बहुत हो गया, नारे लग गए, बैठ जाओ बैठ जाओ यार। तुम्हें भाई सभी से मेरा पहले भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ये नीचे करो। अरे क्यों भाई, मुख्यमंत्री जी को, सभी को, सबको पता है किसके कौन साथी है, सारे बीजेपी के साथी है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सभी नीचे करें, नीचे करें। दो मिनट का टाइम लिया आप, इसको मेरा खराब कर दो। नीचे बैठे, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, पीछे भी बैठ जाओ, साइड में खड़े हैं वो भी बैठ जाए, पीछे बैठो, बैठ जाओ। आदरणीय श्री जिलेराम शर्मा जी से प्रार्थना करता हूँ, वो आए हमारा सभी का मार्गदर्शन। आदरणीय भाई सभी से मेरा पहले भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ये नीचे करो। अरे क्यों भाई, मुख्यमंत्री जी को, सभी को, सबको पता है किसके कौन साथी है, सारे बीजेपी के साथी है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सभी नीचे करें, नीचे करें। दो मिनट का टाइम लिया आप, इसको मेरा खराब कर दो। नीचे बैठे, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, पीछे भी बैठ जाओ, साइड में खड़े हैं वो भी बैठ जाए, पीछे बैठो, बैठ जाओ। जोर से जो है दोनों मुट्ठी बंद करके नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आदरणीय नायब सैनी जी, आदरणीय नायब सैनी जी, बीजेपी पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, मनोहर लाल जी, हमारे मोहन लाल बडोली जी, धन्यवाद। परम आदरणीय और बहुत ही बहुत, अरे भाई बात बहुत हो गया, नारे लग गए, बैठ जाओ बैठ जाओ। तब यार तुम्हें बहुत ही आदर मान सम्मान के योग, और हरियाणा प्रदेश के 36 बरादरी के दिलों की धड़कन, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की, पहलवान की, महिला की, हमारी धरती पर, आसंत की पवित्र धरती पर आए आदरणीय नायब सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश, आदरणीय हमारे जिला के हमारे छोटे भाई, जिला के अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, आदरणीय हमारे भाई पूर्व में विधायक और सीपीएस सरदार बख्शीश सिंह जी, आदरणीय हमारे सीएम के ओएसडी संजय बठला जी, आदरणीय हमारे जिला के प्रभारी भारत भूषण जी, हमारे संत विधानसभा के प्रभारी यशपाल ठाकुर जी, आदरणीय हमारे हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बहुत ही लोकप्रिय साथी भाई भूपेंद्र सिंह रोखा जी, आदरणीय डॉक्टर बूटी राम जी, आदरणीय हमारे दोनों महामंत्री जिला के, आदरणीय चारों हमारे मंडल अध्यक्ष, आदरणीय टक्कर साहब, आदरणीय और मंच पर जो हमारी बहन बैठी है सुमन जी, सीमा जी और बलजीत टोरण जी, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन भाई कटारिया जी, और हमारे एससी के अध्यक्ष, सभी जो मंडलों के अध्यक्ष न उसके अध्यक्ष है हमारे, चाहे वो किसी भी उसके अध्यक्ष है, सारे उनके सब, वो सभी बैठे हैं। पूजा के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग माताओं, इस देश के आन बान शान प्यारे बच्चों, और बहुत ही आदर के योग पत्रकार और छायाकार साथियों, आज हमारे बीच में आदरणीय नायब सैनी जी आए हैं। जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, इनसे प्रभावित होकर, इनके कार्यशैली से प्रभावित होकर, आदरणीय मनोहर लाल जी से प्रभावित होकर, उन्होंने, मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश में हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और बिना पर्ची खर्ची के नौकरी, जिस तरह से 2009 से 2014 में मैं विधायक था, बगैर पैसे नौकरी मिली, आप सबको पता है, उसी तरह से हरियाणा प्रदेश में आदरणीय मनोहर लाल जी ने बड़ी बड़ी पोस्ट, चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट थी, उसको जो है हमारे जो है बिना पर्ची खर्ची के दिया, और हरियाणा प्रदेश में समान रूप से विकास किया, चाहे करनाल का हो, चाहे बाकी 21 जिलों का। तो उस जिस दिन मैंने ये पार्टी ज्वाइन की, आदरणीय नायब सैनी जी हमारी बीजेपी के अध्यक्ष थे, और आदरणीय मनोहर लाल जी जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इनसे प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन की, और आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा प्रदेश में काम किए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए आज इतनी लोकप्रियता,
मैं पहले भी गांव गांव में आपके पास गया हूं, 86 के 86 गांव में आपको सबको हमने बताया कि जिस तरह हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे 20 घंटे में जो है 24 घंटे में 18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, विनम्र हैं। इन्होंने देखा है, खेती देखी है, किसानी देखी है, मजदूरी देखी है, व्यापार देखा है, छोटी राजनीति सरपंची से लेकर MLA, जिला परिषद और MP और पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बने हैं, जिन्होंने इतनी घोषणा ये की, घोषणा नहीं वो लागू की, कानून बनाए, चाहे वो किसानों की MSP की बात हो, चाहे किसानों का 140 करोड़ का बयाना माफ हो, चाहे 97 करोड़ 2023 का जो है नुकसान था फसलों का, सिरसा का, मेवात का, रोहतक का, सोनीपत का, हिसार का, इन्होंने लोग जो ये अफवाह फैलाती है, ये घोषणा है, घोषणा नहीं, उनको जो है कानूनी तौर से उनके खाते में पैसे जा चुके हैं किसानों के। इसी तरह से 1,20,000 कर्मचारियों को जो है SKRN के थे उनको इन्होंने जो है सुरक्षित कर दिया है। इतने काम जो किए हैं, ये लोकप्रियता जो आज इतनी बड़ी सैनी साहब जो ये रैली हो रही है, चाहे कोई किसी कुछ भी कहे, सिर्फ ये रैली आपकी लोकप्रियता के ऊपर है। 36 बरादरी ने आपको नेता मान लिया है, सारी 36 की 36 बरादरी के आप नेता हैं। ये ना किसी की एक आदमी की, ना किसी की, सारे लोग बैठे हैं तैयार आपको सुनने के लिए, लोग बैठे हैं आपको अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए। क्योंकि कई लोगों ने ये भ्रम फैलाया था कांग्रेस के भाइयों ने कि भाई नायब सैनी जी 2 महीने के मुख्यमंत्री हैं। पीछे हमारी पार्टी की पंचकूला में रैली हुई थी और हमारे ऊपर के जो हमारे नेता हैं केंद्र के, उन्होंने ये घोषित कर दिया है कि अगले मुख्यमंत्री 5 साल हमारे नायब सैनी होंगे, तो 36 बरादरी के जो मुख्यमंत्री होंगे। ये जो है किसी के मन में जो अफवाह फैलाते हैं, ये अफवाह उनकी निकालनी है। और गांव गांव से आदरणीय मनोहर लाल जी के दिल में, आदरणीय नायब सैनी जी के दिल में आपने जो है अपना जो समर्पण कर दिया है। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सभी साथी दोनों हाथ खड़े करके ये जो है आश्वासन दे नायब सैनी जी को, मुख्यमंत्री जी को, हम आपके साथ हैं, आपके कहने पे आए हैं। सभी साथी दोनों हाथ खड़े करके जो है हाथ दें। आप सबका यहाँ पहुंचने पर सभी साथी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं निवेदन करूंगा कि जो साथी तख्ती दिखा रहे हैं, चाहे वो किसी के साथ भी है, मेरे साथ है, मेरे उनके हाथ जोर से प्रार्थना है कि वो जो है वो करें। और यहाँ पे मंडी की तरफ से भोजन की व्यवस्था है, भोजन में मैं सभी साथियों से अपील करूंगा, भोजन सबके लिए बहुत है, पर्याप्त है, लेकिन जल्दबाजी ना करें, आराम से बैठ जाएं। बाहर पंडाल के वहाँ हमारी दुकान के सामने भी कुर्सियाँ बिछी हुई हैं, वहाँ बैठ जाएं और धीरे धीरे सब साथी मिलजुल कर खाएं। एक बार फिर जो है नायब सैनी जी का स्वागत में जो है जोरदार दोनों हाथों से ताड़ी बजाकर उनका स्वागत करो।